अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। यहाँ जीवंदर कुमार की विशेषता ये, देखो ज्ञानियों की विशेषता ये है, हल्का सा निमित्त मिलने की देर होती है। प्रथमानुयोग के ग्रंथ भरे पड़े ऐसी चर्चाओं से, आईने के सामने जाकर के खड़े हुए और एक बाल सफेद दिखा, ओहो ये कितना क्षणिक है। देखो अब दीक्षा वैराग्य का परिणाम आ गया, छोड़ करके दीक्षा लेने का परिणाम, एकदम बादलों का विघटन देखा, बालकनी में खड़े थे और देखा एकदम बिजली चमकते हुए, ओह चपला चपलाई, ये देख करके वैराग्य हो जाता है। कितना क्षणिक है ये सब कुछ। इंद्र धनुष के समान आसमान में सुंदर दृश्य दिखाई दे रहे हैं, इंद्र धनुष दिखाई दे रहा है और अचानक क्या हुआ, ये गायब हो गया है। तो इतना ही क्षणिक है ये सब संसार का स्वरूप। इस क्षणिकता को देखकर विचार मग्न हो जाना चाहिए रोजाना। ये जैन समाज में कितनी घटनाएं अभी आए दिन रोजाना पढ़ने सुनने को मिल रही है, अपने को रोज मिल रही है ऐसी घटनाएं। कल ऐसी घटना सुनने को मिली, परसों ऐसी घटना देखी, रोज रोजाना कहीं ना कहीं समाज में, जानने वालों में, परिचित लोगों में, और न्यूज़पेपर तो पूरा एक पेज ही भरा हुआ था। बोलो धुआं से 42 लोग सोते सोते ही खत्म हो गए। लो साहब क्या हालत है, कुछ नहीं, दम घुट गया उनका, निकलने के लिए जगह ही नहीं थी, कहीं रास्ता ही नहीं था, बंद थे दरवाजे, निकल ही नहीं पाए, आग लगी, धुआं धुआं हो गया, मर गए। अब ये धुआं धुआं और भी कहीं तो हो सकता है ना, अचानक बैल बजी और खत्म। क्या ये बैल भी नहीं बजेगी, सिग्नल भी नहीं मिलेंगे और छुट्टी हो जाएगी एकदम झटके से। ये विचार कर रहे हैं ज्ञानी जीव, घटना देखकर तुरंत विचार मग्न हो जाते हैं और अज्ञानी जीव का वो विचार क्षणिक होता है, ज्ञानियों का वो विचार वृद्धिंगत होता हुआ, उनके वैरागी की वृद्धि करता हुआ, उन्हें सत पथ और सत मार्ग पर लगा देता है, इतनी वृद्धि हो जाती है। ज्ञानियों के जीवन में तो वैराग्य के प्रसंग बनते हैं ऐसे, और अज्ञानी उलझे रहते हैं राग में, मोह में पीड़ित होते हैं। अज्ञानी सर पटकते हैं और ज्ञानी का सर घूम जाता है, ऐसा समझो। अज्ञानी और ज्ञानी दोनों का सर घूमता है, अज्ञानी का सर घूमता है मानो उसे चक्कर आ गए हो, और ज्ञानी का सर घूमता है मानो उसे सद्बुद्धि आ गई हो। क्या भूमिका बनी हुई है, सद विचार आने लगते हैं। अब ये देखो कितना सुंदर प्रसंग ये यहाँ बतलाना चाह रहे हैं, हाँ सब सबकी बुद्धि सही दिशा में लगे ये कहना चाह रहे हैं। जीवंदर कुमार को वैराग्य उत्पन्न, उससे पहले क्या हुआ,
दो लाइन पढ़ी थी अपन ने, संसार की स्थिति पर गंभीरता से विचार करने लगे, गंभीर हो गए, रोड एक्सीडेंट देख करके गंभीर हो गए, किसी को गाय ने टक्कर मारी देख करके एकदम गंभीर हो गए, गंभीर हो गए। वो उस दिन अंकल को देखा था ना, इनको इंद्रजीत जी को एकदम कुर्सी पे गर्दन लड़क गई उनकी, वो ठीक है अभी क्या, लेकिन अचानक कैसे घटना हो जाती है, एकदम कैसे लगता है हमारे को भाई साहब ये ऐसे ही कभी हो जाएगा, बैठे बैठे ही। वो उम्र का कोई उसमें वो नहीं है, ये आयु कर्म उम्र का लिहाज नहीं करता। हाँ हो गए थे ऐसे ध्यान है मुझे, ये आयु कर्म उम्र का लिहाज नहीं करता। इतनी कम उम्र है अभी कैसे खत्म हो जाऊं, खत्म हो जाता है। यहाँ बैठे बैठे माइक के सामने बैठ करके प्रवचन चल रहा है और अचानक खत्म, ये क्या हुआ क्या हुआ पता नहीं, ये तो बोलो ये तो परलोक से धार गए, ये क्या हो गया, ये ऐसी ऐसी घटनाएं कैसे घट जाती हैं। लेकिन भाई विचार मग्न हो जाओ और गंभीरता से विचार करो, इस स्थिति के बारे में विचार करो, ये मरण भी देह का वियोग मात्र है, मेरा मरण नहीं होता, ये देह का संयोग हुआ है, इसका वियोग अवश्यम भावी है, यह देह परमानेंट नहीं है, ये तो जाएगी ही, नष्ट होना वियोग होना, बालों का सफेद हो जाना, झड़ जाना, मुंह से दांत निकल जाना, स्वयं आते अंदर चले जाना, आते काम नहीं करना, हार्ट की प्रॉब्लम खड़ी हो जाना, हाथ पांव धूजने लगना, शरीर में झुर्रियां पड़ जाना, ये सब पुद्गल का परिणाम है साहब, ये तो ऐसा होगा ही, ये समझ लीजिए। जब तक नहीं हो रहा है तब तक ये मान करके चलिए कि कुछ बलि हो ना रहे, क्या पता कब कौन सा पुर्जा ढीला हो जाए, आंखें अलग फंक्शन कर रही है, कान अलग कर रहे हैं, किडनी अलग कर रही है, हार्ट अलग कर रहा है, ये सब लीवर अलग काम कर रहा है, आंतें अलग काम कर रही है, क्या पता इतनी नसें हैं अनगिनती इस बॉडी में, क्या पता करोड़ों अरबों नसों में से कौन सी नस कब ब्लॉक हो जाए, बोलो ये नहीं हो रही है, ये आश्चर्य की बात है। इतने बड़े पहाड़ के ऊपर एक दीपक जलता हुआ टिमटिमाता हुआ नजर आ रहा है, ये आश्चर्य की बात है कि ये जल कैसे रहा है पहाड़ी पर, ये बुझने में आश्चर्य नहीं है, बुझ जाए और तुझे आश्चर्य लगता है, और देखो कैसे बुझ गया, अरे कैसे बुझ गया, ये तो जल कैसे रहा था उसमें आश्चर्य है क्या, ये बुझ क्यों नहीं गया। ये कितने प्रसंग कितने उदाहरण मिलते हैं इस तरह के, जिन उदाहरणों में इस तरह की अशक्त अवस्थाओं की और ऐसी आश्चर्यजनक बातें करते हैं आचार्य देव। एरोप्लेन क्रैश हो गया, अरे साहब देखो प्लेन क्रैश हो गया, अरे प्लेन में हजारों लाखों करोड़ों पुर्जे हैं, और क्या पता कौन सा पुर्जा कब ढीला हो जाए और कब खिसक जाए इधर से उधर, और तो उसके क्रैश होने में आश्चर्य नहीं है, ये उड़ते कैसे है सही सलामत, आश्चर्य तो इसमें है। सच कह रहा हूं मैं अभी ऑस्ट्रेलिया से आया ना, तो अप्रैल की बात है, कितने 8 महीने हो गए, 7 महीने 7-8 महीने पुरानी बात है, तो वहां से फ्लाइट से आते समय उसमें वो लाइट नहीं जल रही थी, रात का समय था, मैं तो पढ़ता रहता हूँ, मुझे तो पढ़ना था काम करना था अपना, तो वो लाइट नहीं जली, तो बुला करके कहा कि ये लाइट नहीं जल रही है शायद ये स्विच यहाँ से, तो फिर उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं हम अंदर से चला देते हैं वहां से मेन कोशिश करके, तो उन्होंने अंदर जाकर के कोशिश की, आधे घंटे तक प्रयत्न किया, फिर मुझे आकर के कहा कि नहीं नहीं इसके अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो गई है, तो मुझे ऐसा फील हुआ ये कहां कौन सी चीज कब गड़बड़ हो जाए, तो मुझे याद आई कि कौन सा पुर्जा कब ढीला हो जाए, अब किन के भरोसे चल रहे हैं अपन, ऐसा नहीं होगा कोई पायलट पहली बार चला रहा हो, कोई तो पहली बार चलाता ही होगा साहब, जैसा यदि वो एरोप्लेन उड़ाने से पहले भैया ऐसा घोषणा कर दे कि ये मेरी फर्स्ट ट्राई, बता दो इतने घंटे हम
आप सोचो जरा, मैंने ये इसको कितनी घबराहट, इसको पता नहीं है ट्रेन में जाकर के बैठ जाता है, इसको पता नहीं है कि ट्रेन चलाने वाला कोई इंसान ही चला रहा है कि बंदर चला रहा है, कभी जाकर के चेक नहीं करता है, कभी जाकर के उसका लाइसेंस चेक नहीं करता है कि भाई तेरे को एक्सपीरियंस भी है या नहीं, तुझे चलाना भी आता है कि नहीं। हम कितने निश्चिंत होकर के वहां चले जाते हैं और जाकर के बैठ जाते हैं, अपनी पूरी जिंदगी को उनके हवाले कर देते हैं कि भाई अब तुम्हारे हवाले। उनमें तो छोड़ो, एक इंजेक्शन भी लगवाना हो ना किसी डॉक्टर से और पता लगा कि ये फर्स्ट ट्रायल मेरे ऊपर ही कर रहा है किसी के ऊपर तो करता होगा क्यों साहब? जब 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 वो लगाता है इंजेक्शन लगाना सीखता है तो पहली बार इंजेक्शन कभी किसी की तो लगाता होगा ना क्या? वो तो फिर शरीर का सवाल है। मैं कह रहा हूं आपको कटिंग भी करवानी हो ना और पता लगे कि ये लड़का जो कटिंग काटने करने के लिए खड़ा है ये पहली बार कैंची लेकर के बाल काटा है। बोलो, हर जगह पर ऐसा है। आपको पता लग जाए कि इसको एक्सपीरियंस नहीं है, आपको पता लग जाए कुछ भी उसके बारे में, तो आप जोखिम में डालने के लिए तैयार नहीं है क्या? पहली बार कुर्ता सिल रहा है, पहली बार सूट सिलेगा, आप उससे नहीं सिल पाएंगे। कि नहीं नहीं अच्छा ही सिलेगा, आप चिंता मत करो, बहुत अच्छी पढ़ाई की है इसने, अच्छी ट्रेनिंग लेकर के आया है, लेकिन सिला नहीं है इसने कभी, नहीं चलता है। हमें ये कहना चाह रहे हैं यहाँ कि भाई साहब शरीर भी कहता है, ऐसा लिखे हैं पंक्तियां, प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, नौ द्वारों का पिंजरा तामे सुआ समाए, उड़वे को अचरज नहीं अचरज रहवे माए। प्रसिद्ध पंक्तियां हैं पुरानी, सुनी होगी सर, नौ द्वार भये इनका, नौ द्वार है ना देह में, तो नौ द्वारों का पिंजरा है, नौ के नौ द्वार इस देह में खुले हैं, और अंदर कौन है? अंदर वो पंछी आत्मा वो बैठा हुआ है। ये ठीक उस तरह की स्थिति है कि कोई एक पैरट किसी एक पिंजरे में हो और उस पिंजरे के नौ दरवाजे हो और नौ के नौ दरवाजे खुले हो क्या, तो उसके उड़ जाने में कोई आश्चर्य नहीं है जैन साहब। आश्चर्य तो ये है कि ये अब तक बैठा कैसे है, ये उड़ क्यों नहीं जाता? ऐसे ही ये नौ द्वारों का ये पिंजरा है, ये हार्ड पिंजरा देह जिसे कहा है ना, ये नौ द्वारों का पिंजरा, और इसमें भीतर मौजूद है एक चेतन आत्मा पंछी, और वो कब उड़ जाए पता नहीं, लेकिन सारे दरवाजे खुले होने पर भी ये 80 साल की उम्र तक, ये 45 साल की उम्र तक, ये 55, 72, 55, 72 जिसकी जितनी है, इतने सालों तक ये उड़ा क्यों नहीं, और अब उड़ जाए तो आश्चर्य करने की जरूरत नहीं है क्या? ये विचार मग्न हो गए हैं, ये गंभीरता से संसार की स्थिति का विचार कर रहे हैं। देह अपावन, अशुचि, अपवित्र, मलिन, अभी ये बारह भावनाओं का चिंतन शुरू कर रहे हैं, मेरे को नेक्स्ट पेज पे दिखाई दे रहा है, बारह भावनाओं की चर्चा चालू होगी यहाँ। बोलो, अभी ये कल जिनके विधान है ना गढ़ों के, तो उनको कहो कि अब तुम्हारे पूरा हो गया, अब तुम कल से आओ बारह भावना सुनने के लिए। बारह भावना की चर्चा, ये वैराग्यमय चर्चाएं हैं, चलाएंगे अपन, और इसको कोई जल्दीबाजी में नहीं चलाएंगे, ये वैराग्यमय चर्चाएं अपन बहुत आराम से धीरे धीरे समझते हुए, एक एक भावना की चर्चा की, हर भावना की अलग श्रद्धि है, यही चलता है। हाँ यही चलता है, यही चलता मुख्य रूप से दीक्षा, दीक्षा के प्रसंग पर चलता है, किसी के यहाँ मरण हो जावे तो उस प्रसंग में भी 12 दिन 12 भावनाओं का पाठ करते हैं, 12 भावनाओं पर चिंतन करते हैं, विचार करते हैं, तो ये यहाँ विचार करने लगे, जीवंधर कुमार का चिंतन प्रस्तुत करेंगे, यहाँ विचार मग्न हो गए हैं। देखिए वैराग्य उत्पन्न हो गया इनको, श्लोक नंबर 27, वैराग्यमय माहौल यहाँ छा रहा है, हंसने का प्रसंग खत्म हो गया है, रोने का भी नहीं है, लेकिन वैराग्य की परिस्थिति रोने की नहीं होती है, ये उत्साह है, वैराग्य में उत्साह होता है, वैराग्य में आनंद होता है, वो अपन ने तो
पूरी पड़ी है, छेड़ाला के अंदर भी पड़ी है, पांचवी डाल में वैराग्य उपावन माई इन चिंतत सम सुख जागे। लेकिन इनकी जो मूल है कार्तिकेय अनुप्रेक्षा, कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में तो पढ़ा अपन ने, बोलो क्या है कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में, ये मार्मिक बात कही है, सबको याद हो गया था उस समय तो, बोलो साहब। हाँ क्या है, तिहुवन तिलयम देवम वंदिता तिहुवनिंद परिपूजम वोचम अनुपे हाओ भविय जन आनंद जननियो। भव्य जीवों के आनंद को जन्म देने वाली इन बारह भावनाओं को मैं कहूंगा, ये मंगलाचरण है कार्तिकेय अनुप्रेक्षा का। पूरा ग्रंथ बारह भावनाओं का है, विस्तार से पढ़ा है अपन ने, काफी बहुत साल हुए उसको पढ़े हुए, सन 2011 में चल रहा था शायद, 10 में 9 से चालू हुआ था, चलो जो भी है कोई बात नहीं, तो अभी 9 साल हो गए करीब उसको, 10 से चालू हुआ था, तो 2020 आ गया ना, 9-10 साल कार्तिकेय स्वामी का लिखा हुआ कार्तिकेय अनुप्रेक्षा, 12 भावनाएं हैं, सैकड़ों गाथाएं हैं, और वो उनका अनित्य आचरण आदि 12 भावनाओं का वर्णन करने के लिए प्राकृत गाथा बद्ध बहुत सबसे प्राचीन, क्या यद्यपि उससे प्राचीन में वारसाणु वेखा का उल्लेख मिलता है, वारसाणु वेखा खैर जो भी है, लेकिन बहुत प्राचीन है वो सब। चलिए वैराग्य उत्पन्न करने वाली ये 12 भावनाओं का विचार ये करेंगे, उससे पहले इन्हें वैराग्य उत्पन्न हुआ है। इत्य शेषम विशेषज्ञो वीक्षमाण है क्षितीश्वर है तत्क्षणे जात वैराग्याद अनुप्रेक्षां भावयत। यह सब घटना देखने वाले विद्वान राजा जीवंद्र कुमार ने, ये भी विद्वान थे क्या राजा जीवंद्र कुमार, प्रवचन अर्चन करते थे क्या, नहीं करते, तो विद्वान माने क्या है, विद्वान माने ज्ञानी, विद्वान माने समझदार, विद्वान माने बुद्धिमान, और आप यदि बुद्धिमान नहीं है, विद्वान नहीं है तो मूर्ख हैं क्या। इसलिए विद, विद धातु ज्ञान के अर्थ में होती है, विद विद्वान माने ज्ञानवान माने समझदार, जो वेद विज्ञान के लिए अभ्यास करता है, जो इन बातों को समझता है वो सब विद्वान है भैया, जो पढ़े जो समझे वो सब विद्वान, और जो ना समझे और समझने को निठल्ले लोगों का काम कहने लगे, समझ लो आप, वे सब विद्वान नहीं है तो कहने में सार नहीं, हाँ कहने में सार नहीं। तो विद्वान जीवंदर कुमार ने उसी समय वैराग्य उत्पन्न होने से 12 भावनाओं का चिंतन किया। अब ये वैराग्य, क्योंकि वैराग्य उत्पन्न होने का नाम ही 12 भावनाओं का चिंतन है, कि कब करें साहब 12 भावनाओं का चिंतन, मरते समय या किसी के मर जाने पर, दीक्षा लेनी हो उस समय, अरे ये तो रोज करने योग्य है ये चिंतन क्या। लेकिन रोजाना 12 भावनाओं का पाठ करते हुए भी वैराग्य नहीं आता है, ये हमारे हृदय की कठोरता है, क्या कहें, ये लगती नहीं है ये बात दिल पर, ये चुभनी चाहिए बात, ये प्रसंग ऐसे दिखने चाहिए, आज उसका ऑपरेशन हो गया, आज इसका हो गया, आज ये हो गया, रोज घटनाएं, अरे किसी भी घटना को देख करके, रोटी जल गई, दूध फन गया, आपको ऐसी घटनाएं देख करके भी तो वैराग्य हो सकता है ना, संभालते हुए नहीं संभल रहा है, ये क्या हुआ, ये दांत ही निकल करके हाथ में आ गया खाना खाते खाते, ये क्या हुआ, क्या क्या ये वैराग्य के प्रसंग नहीं है, बोलो क्या इनसे आपको क्षणिकता का भाव वासन नहीं होता है, ये दिखा रहे हैं यहां। उक्त घटना को देखकर, जो घटना ऊपर बतलाई गई उस घटना को देखकर विवेकशील एवं विलक्षण बुद्धि के धनी राजा जीवंदर कुमार को वैराग्य उत्पन्न हुआ और वे 12 भावनाओं का चिंतन करने लगे। पशु भी विचार कर लेते, ये जो पीछे प्रसंग कहा था ना, माने वो 12 भावनाओं का चिंतन, नाम भले ही नहीं जानते हो लेकिन वैराग्यमय चिंतन उनका भी चलता है,
तभी तो वे सम्यक दृष्टि हो जाते हैं, अणुवृत्ति हो जाते हैं, पंचम गुण स्थानवर्ती हो जाते हैं। असंख्यात तिर्यंच स्वयंभू रमण समुद्र में पंचम गुण स्थानवर्ती है, न केवल स्वयंभू रमण समुद्र में अपितु मध्य लोक के असंख्यात द्वीप समुद्रों में भी असंख्यात सम्यक दृष्टि है। तिर्यंच गति के जीव वो भूमियों में युगलिया, वे कैसे सम्यक दृष्टि हो गए तिर्यंच गति के जीव, उनके सम्यक्त्व का क्या कारण है? कि यही कारण है कि देखा जंगल में कुछ भी, एक शेर को देखा हिरण को फाड़ करके खाते हुए, और घटना को देख करके संसार की क्षणिकता का भाव वासन हो गया और अपने आत्म स्वरूप को देखने का परिणाम आ गया और सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई, भेद विज्ञान हो गया, विरक्त हो गए, पानी छान करके पीने लगे, सूखे घास पत्ते खाने लगे। ऐसा जीवन हो जाता है पशुओं का भी। जब पशुओं का ऐसा जीवन हो सकता है तो अपना ऐसा जीवन क्यों नहीं हो सकता है? लेकिन एक बात समझ लेना, ये सब काम होगा अपने वीतराग स्वभाव के अवलंबन पूर्वक ही, उसके बिना सच्चा नहीं होगा। उसके बिना तो प्रैक्टिस ही होगी, बस समझ लो आप। आपके हमारे जीवन में जितना जो कुछ दिखाई देता है ना, ये तो सब प्रैक्टिस लेवल पर ही है। सच में भाव वासन हो जावे, अभी भी जितना उत्साह है ना, जिस उत्साह के साथ आप दौड़ते भागते हुए यहाँ चले आते हैं, बहुत उत्साह है, बहुत उत्साह है हमारे में पढ़ने सुनने का, ये उत्साह असंख्यात गुना हो जाता है। कब? जब वेद विज्ञान होता है। ऐसी घटना रात को कल 9 बजे हुई। अच्छा, रोचन साहब की गाथा नंबर 77। ओह, 77 नंबर की गाथा, बोलो। पाप पुण्य की समानता वाली गाथा कह दी, नहीं माने वो आनंद संसार में परिभ्रमण करे, ऐसी गाथा है वो। पुण्य पाप में अंतर नहीं है, जो न माने बात ये, संसार सागर में भ्रमे मद मोह से आछिन्न। ये है ना 77। अच्छा 76 पड़ी क्या? हाँ 77 बोल रहे। अरे 77 में पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी क्या? जौ के साथ गंदा खून पी रहे 15 बार। वो 76 अलग है, ये 77 में कह रहे हैं पुण्य पाप में अंतर नहीं है। तू ये बात नहीं मानता है, नहीं दोनों एक समान है। ये तुझे ये वर्तमान के ये परिणाम ये ऐसे ही पाप रूप दिखाई देवे, ऐसे ही कष्टप्रद दिखाई देवे, जैसे चोरी कर रहे। क्या बात कर रहे हो साहब, कहाँ चोरी करना और कहाँ आकर के पूजन करना एक जैसा कैसे हो सकता है? कहाँ प्रवचन सुनना और कहाँ म्यूजिक गाने सुनना दोनों एक जैसा कैसे हो सकता है? कि सुनो सुनो, ज्ञानी इन दोनों को एक समान जानकर वीतराग भाव में अपना उपयोग लगाते हैं, दोनों को एक समान जानकर। तो फिर क्या करें साहब? तो फिर दोनों एक समान है तो ये छोड़ करके वही करने लगे। अरे मूर्ख, उपदेश तो ऊंचा चढ़ने के लिए दिया जाता है, हमें पता नहीं था कि तू अपनी ऐसी वृत्ति का पोषण करेगा। ये कह रहे हैं यहाँ वैराग्य के संदर्भ, वैराग्य उत्पन्न हो गया, 12 भावनाओं का वे चिंतन करने लगे। अभी ये जो चिंतन कर रहे हैं क्या, ये वनपाल को देख करके जीवनधर को क्या विचार आया, पहले तो उस विचार की चर्चा करेंगे और फिर उसके बाद में जो अनुप्रेक्षाएं हैं उन अनुप्रेक्षाओं की एक एक श्लोक की चर्चा, एक एक श्लोक में नहीं, एक एक भावना की चर्चा, दो दो पांच पांच सात सात श्लोकों में, मतलब अच्छा खुलकर के चर्चाएं आने वाली है इन अनुप्रेक्षाओं के संदर्भ में। बड़ा वैराग्यमय वातावरण और माहौल यहाँ छाने वाला है, इसलिए आप यहाँ आए तो संभल करके आए, कहीं कहीं ऐसा नहीं हो कि वैराग्य हो जाए। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है सब चिकने गड़े हैं।